नमस्कार, मैं हूं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किसानों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया, जिस कारण दूर दूर तक वाहनों की कतार लग गई। आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक घंटे तक जाम लगे रहने के बाद थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। किसानों को समझने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान एसडीएम को मौके पर बुलाने के लिए अड़े रहे। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिस कारण किसानों में रोष बढ़ने लगा। किसान यूनियन मंडी आड़ती एसोसिएशन रोड पर जमा हो गए और स्टेट हाईवे को पूर्ण रूप से जाम कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की दूर दूर तक लाइन लग गई और रंभा गांव तक 10 किलोमीटर तक रोड जाम हो गया। रंभा चौक पर पुलिस ने बैरियर लगाकर वाहनों को नेशनल हाईवे 44 की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जाम की वजह से उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड तक की परिवहन सेवाएं भी बाधित रही, लेकिन एसडीएम मौके पर नहीं आए। किसानों का आरोप है कि एसडीएम ने मंडी के गेट बंद करवाए हैं। बंद करवाने का कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। मंडी में धान की ट्रॉलियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। किसान सुबह से ट्रालियां लेकर सड़कों पर खड़े हैं, जबकि मंडी खाली पड़ी है। करनाल से हमारे संवाददाता करण शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी खरीद थी, वो 1 तारीख को बोल रहे आएंगे, बट आज से 10 दिन से पहले जो ये गेट पास काट रहे थे भाई, इनको बाद में कन्वर्ट कर देंगे हम। पर अब आज एसडीएम साहब आए और उन्होंने मना कर दिया, भाई हम आपका ना तो गेट पास काटेंगे और ना ही आपको अंदर जीरी ले जाने देंगे। बट अब 3 से 4 घंटे जाम लगने के बाद एसडीएम और डीएसपी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया है भाई जैसे पहले था सुचारू रूप से वैसे ही काम स्टार्ट कर दिया गया। तो अब जाम खोल दिया है? हाँ, अब जाम खोल गया, गेट पास करने लगे हैं। गेट पास करने लगे हैं। क्या ये इस तरह की जो बार बार होता है, आप लोगों को जाम लगाना पड़ता है, अपनी धान लेकर के फसल लेकर के आते हैं, तो क्या सरकार की नियत पर कोई सवाल हो रहा है? हाँ, नियत पर तो सवाल ही है जी सरकार की। हर साल हर 6 महीने में ऐसा होता है, हर जमींदार जबरदस्ती लड़के फसल का रेट लेना पड़ता है, रेट भी लड़के लेना पड़ता है, जबरदस्ती बेचनी पड़ती है। तो आने वाले चुनाव में इसका कोई हिसाब ले सकते हैं? वो तो पता है जी, इनको भी पता है, बाकी देखते हैं जी जो होगा। बाकी 90% लोग इनके खिलाफ है, जो होगा वो तो आने वाले चुनाव में पता ही लग जाएगा। एसडीएम साहब के आदेश अनुसार गेट खोल दिए गए हैं जी। ई नेम पे जो प्यार दान आ रही है 1509 के गेट पर सुचारू रूप से चालू कर दिए गए हैं। एसडीएम साहब के आदेश, गेट पास काटने बंद क्यों किए गए थे? एसडीएम साहब के आदेश थे जी, डीसी साहब ने मीटिंग ली थी उसके रिगार्डिंग, जैसे ही आदेश आए थे कि गेट पास काटने बंद कर दिए जाए। अब जो जाम खोल दिया है, जाम खोल दिया गया, समझौता हो गया ना? बिल्कुल जी सर। अच्छा, किसान यूनियन के साथ साहब की मीटिंग हो गई थी, उन्होंने कह दिया कि वे गेट पास सुचारू रूप से चालू कर दिए गए, अभी जाके किसान गेट पे जाके अपना गेट पास कटवा सकते हैं। सर, जो ट्रॉली आई है केवल उन्हीं के गेट पास कटेंगे, कल भी ऐसे ही रूटीन में कटेंगे? रूटीन में गेट पास कटेंगे, जब जो ट्रॉली आ रही है गेट पास उसी के अनुसार, जैसे गेट पे ट्रॉली आई उसके अनुसार गेट पास कटते रहेंगे। तो संडे के दिन की बात हुई थी, क्या बंद रहेगी मंडी? एसडीएम साहब बताएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।